वेरी गुड इवनिंग वेलकम टू वाई Study स्टडी इंडिया वन स्टडी चैनल और मैं हूं साहिद <laughs> Okay, हिस्ट्री uh, कर रहे हैं हम लोग और आज हम गुप्ता एम्पायर को एंड करेंगे जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू है और ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसके एंड होते ही सोच लो हमारी आधी एशियंट हिस्ट्री आज एंड हो जाएगी ठीक है तो सर जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन आ गया है साहिबा खान मिस यू सरिंग यू टू गाइज गुड इवनिंग संगीता और कौन कौन है सो so, आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं भाई आज हम गुप्तास को एंड करेंगे कल हमने गुप्ता थोड़ा बहुत देखा था कल हमने गुप्तास के बेसिकली फैक्ट्स देखे थे ठीक है आई डोंट नो वॉइस पे राइटिंग क्यों गंदी आती है ऐप पे बड़ी अच्छी आती है ऐप पे बड़ी अच्छी राइटिंग आती है ओके okay, तो गुप्तास को आज हम हैंड करेंगे आज हम उसकी इकॉनमी देखेंगे आज हम उसका आर्ट एंड कल्चर देखेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी सोसाइटी देखेंगे कैसे वुमेंस की हालत और बुरी हो गई थी ठीक है इकोनमी हो गया आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी यही सारी चीजें ट्रेड है और कुछ ज्यादा खास नहीं है वेरी गुड इवनिंग शर्मिला देवी सारे लोग आ जाएं तो मैं आपके कल के आंसर पर भी बात करूंगा क्योंकि कल का आंसर किसी ने भी अच्छा नहीं दिया है किसी ने भी ठीक है वेरी गुड गुड इवनिंग इवनिंग सूरज अमरजीत ओके okay, तो आप लोग आइए तब तक मैं ये बता दूं मेरा जन्म से अधिकार अगे अन अकेडमी पर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप मेरे को जाके मेरा नाम है साहिल अरोड़ा वहां पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो वहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हिस्ट्री वहाँ पे चल रही है सिलेबस है सिलेबस के साथ साथ मैं वहाँ पे इथिक्स कंप्लीट करूँगा सोसाइटी कंप्लीट करूंगा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरा लक्ष्मीकांत से प्रिपेयर करूंगा ये जो भी लक्ष्मीकांत है पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक उसे किस तरह से अप्रोच करना है किस तरीके से देखना है ये सब ये अन के ऐप पर शुरू हो रहा है जल्दी ही Sessions, सारे आपके साथ रहेंगे, हर वक्त आपको परेशान करेंगे डाउनलोड पीडीएफ होंगी टेस्ट सीरीज है गाइडेंस है ये सारी चीजें हैं ओके okay? इंग्लिश में भी वही बातें ऐप को कैसे डाउनलोड करना है यार ये तो तुम तो मुझसे ज्यादा अच्छा से जानते हो कि डाउनलोड करना है उसके बाद अपना प्रोफाइल बनाओ यूपीएससी सेलेक्ट करो सब्सक्राइब करो पैसे मांगेगा मेरा नाम का यूज करो डिस्काउंट पाओ और खुश हो जाओ ओके <laughs> आज okay. मेरे को हल्का सा फीवर है इसलिए थोड़ा लो साउंड कर रहा हूँ बट आई होप कि अभी तुमसे बात करके मैं बड़ा एनर्जेटिक हो ठीक है सो दिस इज रेफरल कोड वंस अगेन नाउ स्टार्ट करते हैं ये मैंने कल आपको कोड दिया था सो so, अब हम आ रहे हैं बहुत सारे लोग आ गए वेरी गुड इवनिंग अमर लहर शिवानी दक्ष चंद्र प्रकाश पांडे अमरजीत चौहान सूरज सर्वा शर्मिला देवी साहिबा खान अरे वाह ओके सो कल ये आप लोगों के लिए कल एक छोटा सा क्वेश्चन था एक कोर्ट था और इसी कोर्ट से रिलेटेड मैंने यूपीएससी का एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था कि वॉट इज हैप्पीनेस और कल मेरे को जितने भी लोगों ने आंसर दिए ऑनेस्टली कहूं मैं सेटिस्फाई नहीं मैं किसी के भी आंसर से कल सेटिस्फाई नहीं क्यों मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि यूपीएससी को आप क्या सोचते हो इस तरह के क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये क्वेश्चन केस स्टडी का होता तब यूपीएससी को फर्क पड़ता कि आप क्या सोचते हो लेकिन यहां पे यूपीएससी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हो तो बहुत से स्टूडेंट्स ने अपनी थॉट्स प्रोसेस लिखी कि मैं ये सोचता हूं मेरा ये मानना है गलत दूसरी कुछ स्टूडेंट्स ने सिर्फ हैप्पीनेस को अच्छे से डिफाइन किया किसी के लिए अलग है किसी के लिए अलग है किसी के लिए अलग है जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए कि जो कि फिलोसफिकल क्वेश्चन लगते हैं ठीक है ना फिलोसफिकल क्वेश्चन होते हैं फिलोसफी से रिलेटेड होंगे ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है थोड़ा सा ट्रिक से वो ट्रिक क्या है जैसे ये मैंने आपको कोट दिया था ये कोट का क्या मतलब था ये थॉट का क्या मतलब था कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए इस तरीके का थॉट लिखो और ये बताओ ये इस व्यक्ति ने कहा है जैसे ये भगवत गीता का है ठीक है इसने कहा है और इस तरीके से उसे एक्सप्लेन कर दो अपने थॉट दोगे तो माइट भी यूपीएससी को अच्छा लगे माइट भी नहीं यानी कि प्रोबेबिलिटी है चांसेस फिफ्टी फिफ्टी है लेकिन सपोज अगर मैं गांधी जी की बात कर देता हूं गांधी जी कहते थे खुशी वो है जो आप हो अस, असलियत में आप वही कह रहे हो जो आप कह रहे हो सोच रहे हो करते हो वही खुशी है यानी कि सत्य तो गांधी जी का आप कोट यूज कर सकते थे इस वाले कोड को यूज कर सकते थे ठीक है मंडेला उन्होंने एडुकेशन में हैप्पीनेस है यूज कर सकते थे कहने का मतलब था आप थोड़ी सी रिसर्च कर सकते थे लेकिन आप लोगों ने नहीं करी आप लोगों ने डायरेक्ट आंसर लिखा तो इस चीज को याद रखना आगे कब भी फिलोसफिकल क्वेश्चन आए यानी कि दार्शनिक क्वेश्चन आए तो उसमें दार्शनिक ही लिखना है आपकी सोच से यूपीएससी को 20 परसेंट फर्क पड़ेगा लेकिन हमें ट्वेंटी परसेंट में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा ठीक है सो so, अगली बार से इस तरीके के आंसर्स हो मैंने आपके अभी अभी अभी, अभी जिस क्लास से पहले सबके आंसर पढ़े चंद्र प्रकाश ने आंसर दिया था चंद्रप्रकाश ने थोड़ा सा अपने ऊपर रख के दिया सूरज ने थोड़ा सा न्यूट्रल होकर दिया लेकिन ओवरऑल यूपीएससी को फिलोसफिकल चाहिए था एक ऐसा आंसर जो सब पर लागू हो जाए ठीक है अब मैं हूं मैं गांधी जी को पढ़ के कहूंगा हाँ हाँ ये सही तो है भगवत गीता को पढ़ के कहूंगा हाँ हाँ ये सही तो है यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके आंसर को एडमिट करें कि ये पॉइंट है ओके चलो आज स्टार्ट करते हैं गुप्तास को गुप्तास के बेसिक फैक्ट्स हम कर चुके थे ये सारी चीजें कहाँ से ओरिजिनल हुए इनके मैप्स देख लिए थे सारे राजाओं को पढ़ लिया था और इनके जो कंटेम्प्ररीज थे यानी कि इनके जो समकालीन थे उन्हें भी देख लिया था कौन से होम्स और वाका टाका डायनेस्टी ये सारी चीजें देख ली थी आज जो गुप्ता हम पढ़ने वाले हैं उस गुप्ता को समझना आज जो गुप्ता हम पढ़ने वाले हैं ये गुप्ता डेप्थ गुप्ता है आज के क्लास में आपको की पे बहुत फोकस करना है की वर्ड्स पे लाइक यूपीएससी की बहुत उठाता है और यूजली की वर्ड के उठाएगा या फिर गुप्ता उठाएगा ठीक है दूसरी चीज कंपैरिजन करके पढ़ना है लाइक like मौर्य से कंपैरिजन बार बार कराया जाता है यूपीएससी कराता है तो मैंने भी बहुत सारी चीजों में कंपैरिजन किया है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा था इनका एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है उनका ऐसा था इनका ऐसा ठीक है थीके? दूसरी चीज ये वाली क्लास में समझना बहुत है और रटना भी बहुत है दोनों चीजें हैं रटने की चीजें भी बहुत है समझने की चीजें भी बहुत है ठीक है और दूसरी चीज सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे राम मंदिर को राम मंदिर को ज्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे वो तो मैं आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाऊंगा लेकिन यहाँ छोटा सा कुछ आएगा ठीक है सो स्टार्ट करते हैं हेलो नवीन ओके स्टार्ट सोसाइटी सबसे पहले देखते हैं समाज हम लोग समाज का एक हिस्सा है तो सबसे पहले समाज से शुरू करते हैं चंद्र प्रकाश ने मेरे से क्वेश्चन किया इन विच सब्जेक्ट आई कैन स्टार्ट विद विदोरी चंद्र प्रकाश हमारे पास किसी भी सब्जेक्ट में आंसर लिखने के लिए जो हाईएस्ट वर्ड होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है चंद्र ने यह बहुत सही क्वेश्चन पूछा है क्या कहीं हम स्टोरी से शुरुआत कर सकते हैं जैसे कि मैंने कहा था स्टोरी मेरा फेवरेट पार्ट था स्टार्ट करने का तो आंसर है यस yes, लेकिन कहा देखो हमारे यूपीएससी में जो मैक्सिमम वर्ड का आंसर होता है वह ढाई सौ और जो मिनिमम है वो है डेढ़ सौ अगर आप स्टोरी लिखते हो तो फिफ्टी वर्ड्स एटलीस्ट इसमें चले जाएंगे तो आप बताओ यूपीएससी वाला आपको दो सौ वर्ड्स के लिए मार्क्स क्यों देगा इसीलिए आंसर में स्टोरी को अवॉइड करना है जो स्टोरी लगानी है वो कहां लगानी है वो ऐसे में लगानी, है, निबंध, में लगानी है. निबंध में लगानी है निबंध में किस तरीके से लगानी है मैं बता जैसे आ जाए कि चाइल्ड लेबर ठीक है चाइल्ड लेबर पे आ जाए और ये हो या कुछ ऐसा कोट आ जाए ऐसा कोई थॉट आ जाए कि हमारी सरकार ने चाइल्ड लेबर के लिए क्या किया है ठीक है तो मैं ऐसे कैसे शुरुआत करूंगा मैं अपनी बताता हूं मैं ऐसे इस तरीके से शुरुआत करूंगा कि एक दिन मैं कहीं घूमने गया और शुरुआत देखो दोबारा सोचता हूं हाँ शुरुआत मैं अभी साथ के साथ सोच रहा हूं ओके okay. शुरुआत कुछ ऐसे होगी कि 2050 में 2050 में मैं सो के उठता हूं और मैं कहीं घूमने जा रहा हूं मैं किसी रेस्टोरेंट में गया और वहां मैंने एक बच्चे को खाना सर्व करते हुए देखा एक बच्चा जो कि मेरे को फूड सर्व कर रहा था मैंने देखा और मेरे दिमाग में आया मेरे दिमाग में आया जब मैं 2020 में पढ़ता था तब भी ये इशू था समझ रहे उस चीज को जब मैं 2020 में पढ़ता था तब भी मैंने चाइल्ड लेबर के बारे में पढ़ा था जब मैं छोटा था तब भी मेरे को स्कूल में पढ़ाया गया था और यह मैं आज साक्षात देख भी रहा हूं अब मैं बताऊंगा यहां से यानी कि मैंने एक स्टोरी से क्या बता दिया कि स्थिति गंभीर है स्थिति गंभीर है 2020 से लेकर अब तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है ठीक है अगर मेरे को ये

जो उसका आखिरी सीन है उससे शुरुआत करी फिर स्टोरी बताई ऐसा क्यों किया जाता है ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो देखने वाले हैं वो अटक जाए यार क्या हुआ है आपके अंदर एक जिज्ञासा क्रिएट करना तो जिस भी चीज से आप जिज्ञासा क्रिएट कर सकते हो वो टैलेंट है अगर आप स्टोरी से कर सकते हो कुछ लोग कविताएं बहुत अच्छी लिखते हैं पोएम्स अच्छी लिखते हैं अगर आपके पास पोएम राइटिंग का टैलेंट है उसे यूज करना ऐसे में इवन मैंने क्या किया था कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए टॉपर्स के कॉपी कर लिए थे हाँ कोई फर्क नहीं है जैसे मुझे कहीं अच्छी पोयम मिली कहीं अच्छी स्टोरी मिली कहीं अच्छा थॉट मिला मैंने एक जगह लिख के रख लिए जैसे उन दिनों मॉब लिंचिंग बहुत हो रही थी मॉब लिंचिंग का मतलब समझते हो जब भीड़ किसी को मार देती है मॉब लिंचिंग के बहुत केसेस आए थे हमारे पास 2016-15 में तो उस समय मैंने मॉब लिंचिंग के ऊपर मॉब लिंचिंग की स्टोरीज रख ली मैंने ऐसे ऐसे स्टोरी लिख ली कि एक माँ बता रही है कैसे कैसे उससे बच्चे को बच्चे को मारा गया तो वो स्टोरी से मैं शुरुआत कर सकता था जहां यानी कि मैं पचास से सौ वर्ड अपने कम कर देता और एक क्यूरियोसिटी क्रिएट कर देता ठीक है सो आई होप ये पार्ट क्लियर हुआ होगा आपके कि ऐसे में कैसे यूज करना है और सबसे बड़ी चीज प्रैक्टिस अगर प्रैक्टिस नहीं है बेटे तो ये हरकतें नहीं होंगी ठीक है ना किसी ने कहा है ओनली इंपेक्टेबल राइटर्स आर दोज रोट इसका हिंदी मतलब है बेहतरीन लेखक वही होते हैं जिन्होंने कभी लिखा नहीं है और जिन्होंने लिखा है वो कभी बेहतरीन नहीं होता क्योंकि वो हर दिन कुछ सीख रहे होते हैं चलो आते हैं भैया सोसाइटी पे गुप्ता में समाज कैसा हो गया था सबसे पहले देखते हैं वर्ण सिस्टम जो था ये आगे जाके कास्ट में बन गया था यानी कि प्रो, प्रोलिफरेशन का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में हमें कास्ट देखने को मिली यानी कि कास्ट बहुत सारी आ गई थी और इसके पीछे कारण बताता हूं क्यों जैसे मैंने आपको बताया था गुप्ताज के लिए बहुत से लोग कहते हैं कि गुप्ताज वैश्य थे या शूद्र थे गुप्ताज ने पैसे दिए कि ब्राह्मणों को पैसे दिए या कुछ भी प्रिविलेज दी यानी कि अब क्या था होता क्या था जैसे बाहर से लोग आए कुशानास बाहर से आए ठीक है सख सक, सका बाहर से आए ये लोग बाहर से आए ठीक है ये सब बाहर से आए और इन्होंने यहां पे आके खुद को क्षत्रिय डिक्लेयर करवाया कैसे देखो यार डिक्लेयर करने का काम था ब्राह्मणों का आप ब्राह्मणों को पैसे दो वो कहेंगे ये क्षत्रिय और जब ब्राह्मण ने आपको क्षत्रिय कह दिया तो बाकी पूरा समाज आपको एक्सेप्ट कर लेगा एक्सेप्ट वन एक बंदा आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा जो असली में क्षत्रिय होगा ठीक है ना सपोज मैं क्षत्रिय हूं और किस सूरज सूरज ने पैसे देके अपने आप को क्षत्रिय डिक्लेयर करा लिया सबने मान लिया कि ये क्षत्रिय है लेकिन मैं नहीं मानूंगा कि मैं तो क्षत्रिय हूं ना तो अब क्या होगा क्षत्रिय भी दो तरीके के हो जाएंगे मैं ऊंचा क्षत्रिय नीचा क्षत्रिय तो ये सिस्टम निकल कर आया ये अभी आगे और ज्यादा डेप्थ में आएगा चंद्र प्रकाश सिंह आई एम अ पोएट्री ब्लॉग राइटर बट आई राइट इन हिंदी वेरी गुड इफ यूर राइटिंग ब्लॉग राइटिंग बहुत अच्छी चीज है ठीक है आ, हिंदी में यार अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो प्लीज थोड़ा सा वो फिर काम नहीं करेगा इंग्लिश में ही जाना है लैंग्वेज को हम चेंज नहीं कर सकते सर प्लीज प्रीफर अ बुक फॉर प्रैक्टिस एग्जामिनेशन पेपर एग्जामिनेशन पेपर के लिए बुक क्यों खरीदनी है <laughs> पैसे वेस्ट ना ना पैसे बचाओ जितना देखो यूपीएससी में सबसे ज्यादा पैसे जो खर्च करे जाते हैं वो सिर्फ एक चीज में करना वो थे टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज इंटरव्यू की प्रैक्टिस इन पे करना ठीक है ना इंटरव्यू की जो प्रैक्टिस होती है इस पे करना मेंस की राइटिंग टेस्ट पे करना प्री के टेस्ट पे करना फालतू तो चीजों पर नहीं बुक्स बहुत कम कोचिंग्स बहुत कम ओके okay, चलो ठीक है बेसिकली तीन फैक्टर्स थे होने के जो फॉरनर्स थे वो बाहर से आए और इंडियन सोसाइटी में वो क्षत्रिय बन गए ये वाला पॉइंट मैंने अभी आपको बताया कैसे भी पैसे देके किसी तरीके की जमीन देकर कुछ ना कुछ करके उन्होंने अपना समाज में बढ़वा लिया दूसरा गिल्ड्स गिल्स क्या होते हैं सपोज आज का एक सरनेम है बहुत फेमस गांधी गांधी कौन होते हैं गांधी का मतलब होता है परफ्यूम सेलर यानी कि गंधिका गंधिका पुराने जमाने में जो परफ्यूम को बेचते थे उन्हें गांधी कहा जाता था गंधिका तो गंधी का यो परफ्यूम बेचने वाले थे उन्होंने अपनी एक अलग कास्ट बना ली गांधी ठीक है वैसे ही अलग अलग गिल्स बन गए लाइक श्रीवास्तव श्रीवास्तव कौन थे जो पटवारी थे ठीक है गांधी जो परफ्यूम सेलर्स थे यानी कि अलग अलग लोग काम करते हैं और अलग अलग अपनी कास्ट बनाते गए डिजिटल को सपोर्ट कर रहे हैं बट आप क्यों नहीं कर रहे <laughs> सॉरी मेरे को इस पॉइंट के बारे में बिल्कुल नहीं पता यार <laughs> मैं बहुत सीधा साधा बंदा हूं यार मेरा काम है पढ़ाना और एक सीधी सादी नॉलेज देना इससे ज़्यादा नहीं कुछ आप मेरी क्लास सुन सकते हैं बहुत सिंपल सीधी बात हो रही है कंटेंट हो रहा है उससे ज़्यादा नहीं ठीक है तो मेरी फील्ड नहीं है तो मैं इसमें कुछ भी आपको रिप्लाई नहीं कर सकता सॉरी ओके गिल्स मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग अपना क्या कर रहे हैं अलग अलग अपना काम बनाते जा रहे हैं जैसे मैंने गांधी का एग्जांपल दिया अब आते हैं ट्राइबल पीपल ट्राइबल के जो गांव के लोग थे आदिवासी थे जो आदिवासियों के पास क्या था जमीनें थी उन्होंने वो ज़मीनें किसे दी ब्राह्मण्स को दी लैंड ग्रांट्स करे और ब्राह्मण्स ने उन्हें कन्वर्ट कर दिया यानी कि ट्राइबल पीपल्स को भी कास्ट में अब कन्वर्ट किया गया तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज थी यानी कि कास्ट हमारे यहाँ आने लग गई जो आज हम कास्टिज्म देखते हैं उसकी शुरुआत यहां से हुई है अब जीएस का सीधा सीधा हमारा टॉपिक है कास्टिज्म के ऊपर है ना जीएस वन में क्लियर सिलेबस में है कास्टिज्म के ऊपर सवाल आता है शुरुआत कहां से हो रही है आपके सामने है। अब आपके पास बेस क्लियर है अब करंट्स पढ़ोगे तो समझ में आएगा आगे चलते हैं शूद्रों की पोजीशन थोड़ी सी इंप्रूव हो गई शूद्रों की पोजीशन इंप्रूव हुई है इंप्रूव क्यों हुई है पैसा दो तमाशा देखो ये वाला कॉन्सेप्ट था नाउ दे अलाउ लिसन पुराना जो सुनाए जाते थे उन्हें सुनने की इजाजत थी और इन्होंने कृष्ण जी की पूजा स्टार्ट कर दी थी ये अच्छी चीज है कृष्ण पूजा स्टार्ट करी थी शूद्रो ने सबसे पहले और कृष्ण जी तो सभी के भगवान है सबसे भोले भगवान भोले तो नहीं सबसे नटखट भगवान इन्हें माना जाता है यानी कि कहा जाता है कृष्ण की पूजा कोई भी करे कृष्ण खुश होते हैं अच्छी चीज है अनदर इंपॉर्टेंट चीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी यानी कि अछूत ये कॉन्सेप्ट हमारे समाज में आ गया था अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो यहां पर शब्द आया अस्पृश्य ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है की वर्ड है ये यूपीएससी आपसे पूछेगा तो ये ही पूछेगा ये वर्ड आपने इतिहास में पढ़ा है कहाँ पढ़ा है क्यों पढ़ा है क्या है ये ठीक है सो ये वर्ड याद रखना गुप्ता डायनेस्टी में ऐसे बहुत सारे शब्द अभी आगे आने वाले हैं जो आपको याद करने हैं ठीक है ना तो ये पहला वर्ड हमारे पास आ गया है जो आपको याद करना है आगे चलते हैं पोजीशन ऑफ विमेन डिट्रॉइड यानी कि महिलाओं की, महिलाओ की स्थिति और ज्यादा खराब हुई और ज्यादा खराब हुई क्यों हुई देखो यार जब समाज में पैसा आता है ना तो पैसों से आती है ताकत पावर आती है और जब इंसान के पास पावर होती है तो वो गलत काम करता है हम देखते हैं कितने ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनके अगेंस्ट रेप वगैरह के केसेस आते हैं और एक्सट्रॉशन के केसेस आते हैं आप देखो बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कहा जाता है कि भाई बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन होता है सबको पता है है ना कास्टिंग काउच जो एक शब्द यूज होता है इंग्लिश में क्यों है ये क्योंकि वहां पावर है मनी है तो ये जैसे जैसे गुप्ता समाज में पैसा आया इनकी स्थिति खराब होती गई इवन लड़कियों को खरीदा जाने लगा अपने घर में <coughs> होता क्या था सपोज कोई हस्बैंड है उसके घर बच्चा नहीं पैदा हो रहा उसकी वाइफ से तो वो ये नहीं सोचता था कि मेरे में कुछ कमी है वो क्या करता था एक औरत को खरीद लेता था तो ऐसे कुछ चीजें हमें देखने को मिली जो कि अच्छी नहीं थी Thing, जिससे मैस्यूरेशन साइकिल कहते हैं पीरियड जो कि साधारण भाषा में बोला जाए तो इससे भी पहले उनकी शादी करा दी जाती थी ठीक है जिससे क्या होता था उनकी हेल्थ खराब होती थी ठीक है बच्चे पैदा करने की शक्ति खत्म हो जाती थी फर्टिलिटी रेट खत्म हो जाता था क्योंकि शादी हो रही है तो सेक्स हो रहा है और ये सारी प्रॉब्लम्स वहां क्रिएट हो रही है उसके बाद फर्स्ट एग्जांपल ऑफ इमोलेशन ऑफ अ विडो पहली बार किसी विधवा को जलाने का एविडेंस मिला मैंने आपसे कहा था कि हमारे काफी नेता कहते हैं कि हम आज के समय को गुप्ता काल जैसा बनाएंगे भाई ऐसा नहीं बनाना हमें ऐसा नहीं बनाना कि हमारे यहाँ की बेटियों की ये हालत हो जाए मेरी बहन की ऐसी हालत हो जाए कि कभी भी कोई ऐसी चीज है अपनी सिस्टर पे रख के सोचा करे बंदा तो आई थिंक वो अच्छा सोच पाएगा ठीक है इमोलेशन ऑफ विडो यानी कि एक विधवा को जिंदा जला देना अपनी पति के साथ जिसे हम सती प्रथा कहते थे ठीक है ये कब हुआ गुप्ता पीरियड में हुआ और पहली बार हमें कहाँ से इसका स्क्रिप्शन मिलता है जो हमें एविडेंस मिलता है वो 510 सौ एडी में एरन एरन मध्य प्रदेश में एक जगह है इवन कहा से मिलता है एरन इंस्क्रिप्शन से ही मिलता है एक शिलालेख है एरन इंस्क्रिप्शन उसी से मिलता है एरन के बारे में में मैंने आगे लिखवाया हुआ आर्किटेक्चर अभी आएगा तो ये सब हमें पता होना चाहिए अनदर इंपॉर्टेंट थिंग महिलाओं को प्रॉपर्टी पर राइट नहीं था हम ये देखते आ रहे हैं वेदों से यानी कि वेदास के समय से देखते आ रहे हैं कि महिलाओं का प्रॉपर्टी पे किसी भी तरीके का अधिकार नहीं था तो ये भी एक बड़ी चीज है सिर्फ एक्सेप्ट स्त्री धन ये शब्द एक और हमारा कीवर्ड आया सेकंड स्त्री धन स्त्री धन का मतलब क्या होता है जब किसी लड़की की शादी हो तो उसे ज्वेलरी और कपड़े देकर भेजा जाता था तो महिला का अधिकार सिर्फ इसी पे रह जाता है सीरियसली मेरा बस चले ना तो मैं क्या क्या बदलना चाहता हूं सीरियसली <laughs> मन करता आई थिंक सारी लड़कियों को आगे आना चाहिए मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि uh, मेरे से uh, पूछा गया था कि आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस चीज में है अगर आप ऑफिसर बनते हैं तो आप किस चीज में सबसे ज्यादा वर्क करना चाहेंगे तो मेरे को हमेशा रहा है वुमेन डेवलपमेंट कि वुमेन एम्पावरमेंट महिलाओं के सशक्तिकरण मेरे को बहुत एक करता है कि हाँ ये जरूरी है समाज के लिए तो मैंने यहाँ पे ये कहा कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा यानी कि जब तक लड़कियों का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा ये सारे लड़कियों से मैसेज है अगर कोई लड़की इस क्लास को सुन रही है अभी और नहीं सुन रही जो बाद में भी सुनेगी देखो आप लोगों का डेवलपमेंट तब तक नहीं होगा जब तक आप ये सोचोगे कि मैं अपने पापा के ऊपर डिपेंड हूँ जब तक आप ये सोचोगे कि आपको कोई कार देख के अच्छी लग रही है कि अरे वाह मेरे पास बीएमडब्ल्यू हो तो आप ये सोचोगे मैं बीएमडब्ल्यू वाले से शादी कर रही हूं अगर आपके दिमाग में ये थॉट है तो आपको लाइफ में ये स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको नहीं किसी और लड़की को करना पड़ेगा कोई एक लड़की को स्टैंड लेना होता है वो स्टैंड क्या होगा कि नहीं मैं खुद बीएमडब्ल्यू बना के दिखाऊंगा लड़कियां ज्यादातर कहती है मैं डॉक्टर बनूंगी कि डॉक्टर की पोस्ट सही होती है कोई लड़की कहती है मैं आई आर एस बनूंगी आईपीएस बहुत कम लड़कियां सेलेक्ट करना चाहती हैं तुक्के से मिल जाता है वो बात अलग है कोई लड़की ये क्यों नहीं कहती मैं कोई बिजनेस वन बनूंगी मैं अपने अंडर में लड़कों को अपॉइंट करके काम कराऊंगी जब तक आपके हाथ में पैसा नहीं है ना आपको इज्जत नहीं मिलेगी तो लड़कियों को अगर अपना डेवलपमेंट बड़े लेवल पर करना है तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना होगा और आज का आप लोगों के लिए क्वेश्चन रेडी है अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट लड़कियों के डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए मेरे को सिर्फ और सिर्फ पांच पॉइंट चाहिए आपसे सिर्फ फाइव पॉइंट चाहिए मैं कोई वर्ड्स नहीं बोल रहा सिर्फ मेरे को आपसे पांच पॉइंट चाहिए ठीक है कॉमेंट सेक्शन में कि लड़कियों को यानी कि हमारी सोसाइटी में अगर मैं चाहता हूं कि वुमेन डेवलप हो जाए तो क्या करना चाहिए ठीक है तो सबके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सोचते हो सर क्वेश्चन क्यों देते हैं क्वेश्चन से पता क्या है आपका दिमाग सोचना शुरू कर देगा थिंकिंग प्रोसेस एक रात में डेवलप नहीं होती है दो साल तीन साल लग जाते हैं पर हमारे पास साल एक डेढ़ साल ही है तो सोचना शुरू करो सोचा करो किसी प्रॉब्लम को देख के ओके okay, आगे बढ़ते हैं आइडल वर्शिप मूर्ति पूजा शुरू हो गई इससे पहले हमने देखा था ना मूर्ति पूजा नहीं थी मंदिर नहीं थे लेकिन यहाँ पे मूर्ति पूजा भी हुई और मंदिर भी आए तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई हिंदुइज्म में आइडल वर्शिप हुई इवन ये जो शब्द है हिंदुइज्म ये भी हमें देखने को मिला इससे पहले हमें ब्राह्मण शब्द देखने को मिलता था यहाँ पे हिंदुइज्म शब्द देखने को मिला प्राउड ऑफ यू संगीता इफ यू एन एन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट गर्ल बी इज अ गुड थिंग लेकिन और ज्यादा खुद को स्ट्रांग करने की सोचो कि आप स्ट्रांग हो गए ना एक लड़की अगर स्ट्रांग होती है तो उसके पीछे छह होंगी गांधी जी ने क्या कहा है अगर आप एक लड़के को पढ़ाते हो तो सिर्फ आप एक लड़के को पढ़ाते हो लेकिन अगर आप एक लड़की को पढ़ाते हो तो आप पूरे समाज को पढ़ाते हो अब देखो अगर ऐसा ऐसे आ जाता आप एक सेकंड में ये वाला कोट लगाओ और ऐसे को इसी डायरेक्शन में ले जाओ ठीक है ना स्त्री धन कैन बी सीन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ डायरी हाँ बिल्कुल कह सकते हैं सूरज ये पॉइंट बिल्कुल कह सकते हैं स्त्री धन को हम एक तरीके से डाउरी का एग्जाम्पल मान सकते हैं डाउरी तो हमें वेदास में भी मिली है बेटे वेदों के समय में भी डाउरी मिली है तो डाउरी का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है ही है ये कहा जाता है कि महिला अपने हिस्से का लेकर जा रही है तो इसी को उसकी प्रॉपर्टी माना जाता है इवन अभी जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था ना रिसेंटली न्यूज में जो था इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने भी यही बात बोली जज ने कहा कि हमारा समाज ये कहता है कि लड़की जो अपने दहेज ले गई वो अपने हिस्से का ले गई ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में बहुत पहले से है लेकिन डाउरी के ऊपर इतना डेप्थ हाँ ये काफी है कि यहाँ स्त्री धन उससे कनेक्ट है ओके okay, अब देखो हूं जो कि हमारे सोसाइटी में आए थे ये आगे चल के हमारे यहाँ बन गए कौन राजपूत ये हमारे यहाँ कौन बन गए राजपूत राजपूत देखो कैसे बने बहुत सिंपल है अलग अलग जगह से लोग आए कोई भी अभी एग्जाम्पल नहीं है कि कहा के हैं वैश्य हैं शूद्र हैं कौन है इन्होंने पैसे दिए और अपने आप को क्षत्रिय डिक्लेयर करवाया ये माना जाता है ये लोग तेज थे अच्छे थे। तो इन्होंने अपने आपको जाते जाते राजपूत को पढ़ेंगे तो, और में जाएंगे, तो इन्हें आगे हम में करने लगे इवन कहा जाता है आज भी बहुत सारे राजपूत ऐसे हैं जो हुन सरनेम रखते हैं मेरे मैंने कभी नहीं सुना सर ने एनसीआर में लिखा तो ये पॉइंट मैंने डाला है चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क जो कि फाइन भारत आया था हमने देखा था विक्रमादित्य के समय पे आया था इसने बताया है कि अनटचेबल्स यानी कि जो अछूत थे समाज में उन्हें तालियां बजाते हुए समाज में जाना पड़ता था ताकि कोई उनसे छू ना जाए या कोई उन्हें देख ना ले यह हमारे गांधी जी के समय तक था 1947 के बाद तक चला है ये कॉन्सेप्ट गांधी जी ने अपनी किताब में माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ उसमें यह चीज ली है चाहो तो उस बुक को पढ़ना बहुत अच्छी है ठीक है सो ये चीज हमें देखने को मिली है तो ये उस जमाने से शुरू हो गई कि एक अछूत व्यक्ति को यह माना जाता था कोई व्यक्ति अगर उसे छू गया तो वो पॉल्यूटेड हो गया अशुद्ध हो गया तो इसीलिए वो बेचारे खुद ही ताली बजाते हुए जाते थे कि हमसे मत टच हो कुछ ना कुछ बजाते हुए जाते थे बेचारे शोर मचाते हुए जाते थे ये समाज में कई बार देख के लगता है नहीं है कि ऐसी सोच क्रिएट कहां से हो रही है इतनी नेगेटिव कहां से आ रही है बट आ रही है

तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से देखने को मिलती है सोसाइटी अभी और है नहीं है नहीं ये हमारी खत्म हुई सोसाइटी अब हम चलते हैं इकॉनमी पे कि किस तरीके की इकॉनमी थी देखो जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड था चाइना के साथ हमारा ट्रेड बहुत बढ़ गया चाइना के साथ अभी भी हमारा ट्रेड बढ़ गया अच्छा ये क्वेश्चन इस समय रोज हिंदू में अगर कोई बंदा हिंदू पढ़ रहा है यहाँ पे मेरे को जल्दी से रिप्लाई करो कोई है यहाँ पे जो हिंदू पढ़ रहा है आई थिंक मैंने करंट्स के लिए कल भी आप लोगों से पूछा था कहोगे ये बंदा रोज पीछे पड़ जाता है अगर हिंदू नहीं पढ़े तो वीडियो सुन रहे होगे तो आपको ये पता होगा कि लास्ट दस दिन के अंदर हमें चार आर्टिकल्स ऐसे मिल गए जो ये बता रहे हैं कि इंडिया क्या चाइना को पीछे कर सकता है यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी मेन्स से तो आप इसे ध्यान में रखना प्री में भी इवन इंपॉर्टेंट है कि हम इनसे क्या इंपोर्ट करते हैं इंडिया किन किन चीजों के ऊपर इनके ऊपर निर्भर है जैसे कहा जाता है चाइना से सामान लेना छोड़ दो अरे भैया जो हमारे यहाँ मेडिसिन बनती है जेनेरिक मेडिसिन जो बनती है मेडिसिन बनाने का जो समान है इनग्रेडियंट है वो हम चाइना से लेते हैं अगर चाइना हमें इंग्रेडिएंट्स नहीं देगा तो भैया मेडिसिन कहाँ से बनाओगे तो ये सारी चीजें डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है वापस आते हैं हिस्ट्री पे यानी कि चाइना के साथ हमारा ट्रेड अच्छा था बढ़ गया था और इवन चाइना की जो सिल्क है उसे कहा जाता था चाइना सुख ठीक है ना चीन सुख कहा जाता था वैसे इंग्लिश में चाइना सुख लग रहा है ये ये चीन कहा जाता था तो ये टर्म हमें पता होना चाहिए एक और की याद रखने हैं और सिल्क रोड के बारे में हमने कहा पढ़ा था कोई बताएगा सिल्क रोड के बारे में मैंने कहा पढ़ाया था सिल्क रूट के बारे में जल्दी से बताओ कमेंट में अगर नहीं बता पाए इस, इस स्लाइड के खत्म होने से पहले तो मैं बता दूंगा इंडियन एम्बेसी यानी कि इंडिया के एम्बेसिडर्स जाते थे रोम तक ट्रेड अच्छा था इंडियंस वर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू एडवोकेट इंटरनल यूज ऑफ मर्क्यूरी ठीक है ना कहा जाता है कि इंडियंस पहले दुनिया में पहले थे जिन्होंने का सबसे पहली बार यूज किया था हालांकि इस पॉइंट को लेके काफी इतिहास का गलत मानते हैं लेकिन ये एक दो एनसीईआरटी से दे रखा है इसलिए मैंने भी छाप दिया ये इसलिए बता दिया कि बाय चांस अगर आ जाए तो आ जाए नहीं तो ये पॉइंट ऐसा है ना के बराबर ही है ये इंपॉर्टेंट है इंडियन सर्जन्स ठीक है इंडियन सर्जन सर्जरी करना जानते थे जानते थे यानी कि डीप सर्जरी करना जानते थे ठीक है एक्सटर्नल मैटर्स को निकाल सकते थे बॉडी से जैसे आयरन स्टोन टाइप इनसे वो सर्जरी करना जानते थे ये सारी डीप चीजें हैं बहुत ये एनसीआरटी में दी हैं इसलिए मैंने दी है अदरवाइज यूज नहीं है ओके okay, बहुत से लोगों ने इंडो ग्रीक साका यह कश कनिष्क नहीं था आंसर आप लोग ज्यादा कनिष्क नहीं था ओके गोल्ड कॉइन्स को दिनार कहा जाता था और सिल्वर को कहा जाता है रुप अक्का रुपये अगेन कीवर्ड है चौथा कीवर्ड आ गया हमारा तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ठीक है ना ओके इंडो ग्रीक्स के समय से शुरू हो गया था चाहे सिल्क रूट पे ट्रेड इवन सकास का भी था और कनिष्क का भी बहुत बड़ा रूल था तो ये तीनों के ही नाम सही है ठीक है आगे चलते हाँ <laughs> सौम्य ने कहा कनिष्क या कुशाना हाँ तीनों का ही सही है वैसे इंडो ग्रीस के टाइम पे थोड़ा बहुत शुरू हो गया था लेकिन सबसे ज्यादा कनिष्क के समय था चलो आगे चलते हैं स्टेट वॉज ओनर ऑफ लैंड यानी कि जमीन का मालिक कौन था स्टेट यानी कि गवर्नमेंट किंग ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह आया लैंड को जमीन को चार भागों में बांटा गया था वो चार भाग कौन से थे क्षेत्र भूमि जिसे कल्टीवेबल लैंड कहते हैं वो जमीन जो उपजाऊ है ठीक है ना खिला ये यूपीएससी पूछ चुका है वॉट इज खिला और कैसे पूछा जाएगा मैं बता दू ये मैच द फॉलोइंग में आता है सोचो मैच द फॉलोइंग में ऐसे द्वेश्चन आएंगे की वर्ड की भरमा यहाँ पे क्षेत्र भूमि खुद में एक की है ठीक है खिला खुद में एक की है ठीक है वेस्टलैंड यानी कि बंजर जमीन वास्तु भूमि हैबिटेबल जहां पे लोग रहते हो ठीक है चराग भूमि पैश्चरलैंड जहां पे जानवरों को चराया जाता हो अपराहता भूमि फॉरेस्ट यानी कि जंगल सब नाम से समझ में आ रहे हैं लेकिन ये जो है वो आपको याद करने हैं ये याद करने मत छोड़ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जितनी बार वेरी लगा दू उतना कम है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट अगेन एक और की वर्ड पस्तुपाल ये कौन है भैया ऑफिसर हु मेंटेन ऑल लैंड रिकॉर्ड इन सारे जमीनों का रिकॉर्ड रखने वाले बंदे को हम क्या कहते थे पस्तुपाल आज के टाइम में इसका एग्जाम होता है क्या कहते हैं मैं खुद बोल गया कौन सा अधिकारी होता है वो नाम याद नहीं आ रहा इसका अलग से एग्जाम होता है काफी स्टेट्स में जो भी है जो कि लैंड रिकॉर्ड्स रखते हैं आई थिंक चकबंदी टाइप वो तो चक बैंक जो खेत के चक होते हैं तो ये होता है चकबंदी समीक्षा अधिकारी ऐसे एक दो एग्जाम्स होते हैं ठीक है सो पश्चूपाल ये एक और टर्म है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इनके इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कौन से थे यानी कि अगेन ट्रेड ताम्रलिप्ति और बरूच यही दोनों हमारे को कनिष्क के समय मिले यही यहाँ पे मिले हैं तो पोर्ट्स में कोई खासा डेवलपमेंट नहीं हुआ जो थे यही थे अगेन ये जो पांच है बहुत इंपॉर्टेंट है बार बार कर रहा हूं। मेरे को है, तुम लोग कहोगे अरे नाम बड़े गंदे मैं याद नहीं कर रहा लेकिन भैया कर लेना देव तो ये कर लेना मत छोड़ना इसे ओके नाउ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था अब यहां से देखो डिसेंट्रलाइज था यानी कि Okay. Like, स्पेलिंग है सेंट्रलाइज़ की यानी कि आपको एग्जाम्पल दिया भी था कल कि यहां से फ्यूडलिज्म का हमें एग्जाम्पल मिलता है. ठीक है ना फ्यूडलिज्म फ्यूडलिज्म मतलब सामंतवाद 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 का क्या मतलब होता है कि राजा अपने काम को बांट दे और व्यक्तियों में और वो व्यक्ति खुद को राजा डिक्लेयर करते हैं या कार्य करते हैं कुछ इस तरीके का मिलता जुलता तो डिसेंट्रलाइज था मौर्य में सेंट्रलाइज था मौर्य के समय पे क्या था था सेंट्रलाइज हेलो बिश्नोई दिस इज योर फर्स्ट क्लास वेरी गुड बिश्नोई हम लोग गुप्ता एम्पायर तक आ चुके हैं अगर ये आपकी फर्स्ट क्लास है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सारी क्लासेस पुरानी लो क्योंकि तो पुरानी क्लासेस समझे बिना इसमें मजा भी नहीं आएगा और ये कनेक्ट भी नहीं होगी ठीक है तो आज की क्लास के बाद सारी क्लासेस आपको देखनी है हिस्ट्री की तभी जाके पिक्चर आगे बढ़ेगी ओके यहां से एक और प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई थी यहां से अपॉइंटिंग द क्राउन प्रिंस यानी कि युवराज को अपॉइंट करना शुरू हो गया जिससे हम कहते हैं कुमार ठीक है पहले के टाइम पे क्या कहा जाता था महाभारत के टाइम पे युवराज अब क्या हो रहा है कुमार मौर्याज के कंपैरिजन पे मौर्याज ने बड़े बड़े टाइटल नहीं लिए इन्होंने बहुत बड़े बड़े टाइटल लिए पोम्पस का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े मतलब अट्रैक्टिव टाइटल्स लाइक like, परमेश्वर महाराजा धीराज परम भट्टारक परम भागवत देवराज कुछ टाइटल्स हम पढ़ चुके हैं यानी कि मौर्याज ने ऐसे टाइटल ले लिए मौर्यास ने कैसे टाइटल लिए थे देव नाम पिय पिय दासी अशोक के यानी कि वहां पे वो लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोग ईश्वर के प्रिय हैं ये लोग क्या कह रहे हैं हम प्रिय नहीं है हम ईश्वर हैं अपने आप को ही ईश्वर बता रहे हैं आगे चल के उससे भी ऊपर जाएंगे किंगशिप वॉज हेरिडेटी राजा का बेटा राजा ही बनता था ठीक है प्रीमोजे चलता ही था का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं जो सबसे बड़ा होता है son, ठीक है ना जो सबसे बड़ा लड़का होता है हमारे बाबूजी का बड़ा बेटा ठीक है एल्डेसन वो बनता है ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड गुप्ता पीरियड में जो लैंड टैक्स था उसे बढ़ा दिया गया था क्यों बढ़ाया गया था मैं बताता हूं फॉरेन ट्रेड खत्म हो गया था ठीक है ना फॉरन ट्रेड खत्म हो गया था यानी कि जो <coughs> विदेशों से व्यापार था वो समय के साथ आगे जाते जाते खत्म हो गया और जब ट्रेड खत्म हो जाएगा तो आपको पैसों के लिए क्या करना पड़ेगा गरीबों पे किसानों पे बाहर डालना होगा तो लैंड टैक्स बढ़ाया गया ठीक है जो क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स का डिक्रीज हो गया था किंग कलेक्टेड टैक्स वेरिंग फ्रॉम वन फोर टू वन सिक्स ऑफ द प्रोड्यूस ये मौर्य जैसा है या मौर्य से अलग है ये मौर्य जैसा है सेम एज मौर्य सेम एज मौर्य ठीक है आगे चलते हैं इन द सेंट्रल द वेस्टर्न इंडिया द इंपॉर्टेंट पेज इसके सब्जेक्टेड टू फोर्स लेबर ये यूपीएससी पूछ चुका है विश्ति यूपीएससी ने क्लियर पूछा था गुप्ता के समय पे आपको विश्ति देखने को मिला था क्या था गुप्ती विश्ती क्या है फोर्स लेबर यानी कि जबरन बंधी बनाए हुए लोग जो कि किन के द्वारा बनाए जाते थे आर्मी ऑफिशिय आर्मी वालों के द्वारा ठीक है ये टर्म गुप्ता ब्यूरोक्रेसी नॉट ब्यूरोट गुप्ता की ब्यूरोक्रेसी यानी कि ब्यूरोक्रेसी क्या होती है हम सबको पता है यूपीएससी के आई एस आईपीएस पोस्ट इतनी ज्यादा विकसित नहीं थी इतनी ज्यादा इलेबोरेट नहीं थी बहुत बड़े लेवल में फैली हुई नहीं थी इनकी मौर्यास के कंपैरिजन मोर्यास की बहुत अच्छी थी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर वॉज कुमार मात्यास कुमार मत्या कौन था कुमार मत्या जो बाकी के ऑफिसर्स थे उन्हें अपॉइंट करता था ठीक है ना तो कुमार मत्या की पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट थी ये सब सिंपल आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है दे वर अपॉइंटेड बाय द किंग पॉसिबली पेड इन द कैश यानी कि कुमार मत्या को कौन अपॉइंट करता था भैया राजा और इसकी सैलरी कैसे दी जाती थी कैश ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में अलग चीज है कैश में सैलरी पहले के टाइम पे नहीं चलती थी पहले के टाइम पे खाना और जमीन दे दी जाती थी ये लोग कैश देते थे थी। ठीक है गुप्ताज ने एक सिस्टम ऑर्गेनाइज किया प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का यानी कि कह सकते हैं एक तरीके से लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था ऑप्शन में यूपीएससी क्वेश्चन बहुत ज्यादा डालता था पहले की हमारे यहाँ क्या किसी तरीके का पंचायत वगैरह का सिस्टम देखा जाता था तो एग्जाम्पल दिया जाता है एम्पायर को बहुत सारे भागों में बांटा गया था ऐसे एम्पायर छोटे छोटे भागों में कर दिया गया और भुक्ति के हेड होते थे उपारी का ये सारे शब्द अभी और ज्यादा डेप्थ में पढ़ने हैं आगे नेक्स्ट ये देखो अभी और वर्ड है वर्ड्स अभी एंड नहीं हुए हमारे सो भुक्तीस को और ज्यादा भागों में बांटा गया वो भुक्तीज आगे जाके क्या बने विषया ठीक है जिससे किसके अंदर थे विषयापति ये सारे शब्द आपको याद रखने हैं लाइक भुक्ति का हेड कौन है ठीक है विषया का हेड कौन है हालांकि मैंने यहाँ पे दिए भी हैं कुछ टैक्स स्ट्रक्चर है लेकिन ये सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं ओके ये सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं ठीक है द विषाया डिवाइडेड इनटू विथीस उससे भी ज्यादा जो कि छोटे छोटे गांव थे ये पूरा स्टेटमेंट पूरा मैंने जो भी लिया एनसीईआरटी में से लिया इसमें मैं कोई भी कोई भी अपना चेंज नहीं करना चाहता जब भी कोई ऐसा टर्म यूज होता है एग्जाम में जो भी कोई ऐसा टर्म होता है एनसीआरटी में जो मेरे को लगता है कि इसे मेरे चेंज करने से इसका कुछ भी मतलब बदल जाएगा मैं उसे नहीं छेड़ता पूरा का पूरा स्टेटमेंट डलवाता हूं ठीक है द सीलिंग फ्रॉम वैशाली शो दैट दर्टिस्ट एंड मर्चेंट्स एंड द हेड ऑफ द गिल्ड गड ऑन द सेम कॉपरेट बॉडी एंडी ऑफ इस फालतू का पॉइंट है पता नहीं क्यों डाल दिया इसका सम्मे... मतलब समझ लो मतलब ये है इन सब ने अपने अपने गिल्स बना लिए थे गिल्स मैंने बताया ना एक तरीके से अपनी अपनी सोसाइटी लाइक गांधी की अलग जो गांधी का सेलर है उनकी अलग है पटवारी की अलग है जो अकाउंट्स का, का काम कर रहे हैं ये पटवारी हो गए और कौन कौन से काम होते हैं कारपेंटर्स उनका अलग है चारेट मेकिंग्स का अलग है उन सब ने अपने अपने बना लिए थे और उनके अकॉर्डिंग ये सब रूल करते थे ठीक है दिस पॉइंट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट नेक्स्ट बैंकर्स ऑर्गेनाइज इनटू सेपरेट गिल्स इन्होंने अपने आप को सेपरेट गिल्स में बनाया आर्टिस्ट और बैंकर्स और ये जो सेपरेट गिल्स थे इन्हें काफी ज्यादा राजा की तरफ से इम्यूनिटीज मिलती थी इंजॉय सर्टेन इम्यूनिटीज लाइक टैक्स में छूट हमारे इंडिया में आज भी है रईसों को टैक्स में छूट मिलती है गरीबों को नहीं टैक्स में छूट मिलती थी कहीं आने जाने के टोल फ्री दे देती थी सरकार जैसे आपका सामान इधर से उधर जा रहा है तो ये सब कुछ इम्यूनिटीज मिलती है. मेजर पार्ट ऑफ द एम्पायर वॉज हेल्ड बाय चीफ यानी कि सामंतवाद जो फ्यूडलिज्म के हेड थे ज्यादातर एम्पायर को वही देखते थे और सबसे ज्यादा ये किसके समय पे हुआ समुद्र गुप्त के वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गुप्ता एम्पायर सीरियसली बहुत डिफिकल्ट है जैसे हमने मौर्य का लास्ट का पोर्शन था और मैं आपसे बार बार कह रहा था उसमें बोर मत होना मुझे पता है डिफिकल्ट चीज है ये बुक से पढ़ोगे तो और ज्यादा बोरियत है सिंपल ये कुछ पॉइंट्स है इसे ये आप ये सोच लो कि मैंने पूरी एनसीआर सारी कवर कर ली है ट्वेल्थ सिक्स uh, से लेकर ट्वेल्थ भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो यहां ना हो ठीक है सो so आप ये वाले पॉइंट्स पढ़ना तो काम हो जाएगा दिमाग में कंफ्यूजन मत लाना कि और कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो रहा कुछ मिस नहीं है आपका ठीक है फ्यूडल डेवलपमेंट जो इनके समय पर हुआ उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव और फिजिकल कंसेशन मिलते थे किन्हें प्रीस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स को होता क्या था जो पंडित वगैरह थे और जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उनसे पटाके तो रखना होता है जैसे आज भी हम देखते हैं जो बिजनेसमैन है उनके अच्छे रिलेशन होते हैं किससे आई एस ऑफिसर से नेताओं से वही एक तरीके का था एक दूसरे को छूट दे रहे हैं फायदा उठा रहे हैं समझने का स्थिति क्या है यूपीएससी इतने सारे डेप्थ में नहीं जाएगा यूपीएससी आपसे बस एक चीज पूछेगा फ्यूडलिज्म ठीक है ना फ्यूडलिज्म का भाई कितनी पावर थी फ्यूडल को संभालते थे यानी कि सेपरेट गिल्ड्स थे फ्यूडल एक तरीके से हेड की तरह रूल करे थे फ्यूडल्स को प्रॉफिट्स मिलते थे ये सारे कुछ पॉइंट्स यानी कि देसी भाषा में सादी भाषा में अपने हम दिमाग में रख सकते हैं ओके okay, आगे चलते हैं टैक्स स्ट्रक्चर दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी का का काफी टफ हो गया इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन का वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि अलग अलग टैक्स को अलग अलग किस नाम से जाना था बाली जो कि कंपल्सरी टैक्स था ये हर व्यक्ति को देना ही देना था भाग जो कि अपनी जमीन पे देना होता जो आपकी उपजाऊ जमीन है उसका वन सिक्स आपको देना होता था मौर्यास के समय भी यही था भोग ये सब शब्द याद रखने हैं आपको ये टर्म्स याद रखने हैं ठीक है सीरियसली सूरज आज का एफर्ट तो तुमने थैंक यू बोला सीरियस नहीं हाँ ये एफर्ट दिखना चाहिए कॉज आज की क्लास के लिए मैं बता रहा हूं मैं मॉर्निंग एट ए एम से सिर्फ एन सी टी डटोल रहा हूं सिर्फ एनसीआरटी सब में गुप्ताज खुला हुआ ये बुक ये बुक ये बुक ये बुक क्यों क्योंकि गुप्तास का इतना है हाँ गुप्तास का इतना कंटेंट है कि मैं खुद ऐसे बैठा हुआ था कि भाई मैं कौन सा छोड़ू कौन सा लू इसे छोड़ देता हूं फिर मैं यूपीएससी के पेपर देख रहा नहीं ये पूछा गया है इसे छोड़ देता हूं नहीं यूपीएससी इतने डेप्थ में गया है तो आज की क्लास सीरियसली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत की है तो थैंक्स इसे समझने के लिए हाँ ये है कि इतनी सारी चीजों को आप साथ में बैठ के करो बहुत टाइम लगता है और सोचो मैंने तो सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं मेरे पास ऑलरेडी नोट्स हैं स्टिल मैं उस नोट्स को रिवाइज कर रहा था कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो छूट रहा है और पता है कौन सा चीज छूट रही थी ये वाला पेज था तो तुम्हारे सामने खुला हुआ है ये वाला पेज छूट रहा था अगर मैं अपने नोट्स में से बनाता तो फिर मेरे को जाना पड़ा और डेप्थ में एक दो चीजें और भी थी ठीक है बहुत क्या ये गिफ्ट है गिफ्ट कैसे हैं जैसे पंडितों को गिफ्ट दिए जाते थे प्रीस्ट को पुरोहित को गिफ्ट दिए जाते थे शुल्क कस्टम्स कस्टम यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पे जो टैक्स है लिप्ता लिप्ता ये कैसे स्टार्ट हो रहा है है इसे हिंदी में टैक्स फॉर सेलिंग एंड परचेसिंग लैंड जैसे आज भी लैंड टैक्स हम लेते हैं हम कोई जमीन खरीदते हैं तो उस उसपे एक टैक्स जाता है ना वैसे हरियाणा गोल्ड टैक्स सोने पे हलीवार का हल से समझ लेना हल यानी कि प्लग शेयर टैक्स यानी कि हल जोतने वाला जो जमीन पे आप करते हो जो जमीन आप खेती के लिए यूज करते हो उसका टैक्स देन कारा इनरेगुलर टैक्स ये टैक्स ऐसा था कभी कभार राजा लगा सकता है जब जरूरत हो जब जरूरत हो राजा टैक्स लगा सकता है ओके तो ये वाले सारे टैक्स इंपॉर्टेंट है नौ साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंटिफिक डेवलपमेंट हमें बहुत सारा देखने को मिला कैसे देखो मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में बहुत सब देखने को मिला यानी कि मैथ का डेवलपमेंट बहुत हुआ एस्ट्रोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ कैसे इनके जमाने में कौन कौन सी बुक्स लिखी गई हालांकि मैंने सारी बुक्स एक साथ भी डाली है लेकिन यहां पे भी है ब्रह्मगुप्त ब्रह्मगुप्त ठीक है इन्होंने क्या बताया जीरो से मिलते जुलते जीरो और नेगेटिव क्वांटिटीज के इन्होंने वो बताया लाइक नंबर सिस्टम माइनस वन माइनस टू यह सारे पॉइंट्स इन्होंने बताए थे ठीक है एलजरा के बारे में बताया था और इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था ब्रह्म सिद्धांत क्या नाम है ब्रह्म सिद्धांत ये बुक आगे भी मैंने लिखी हुई है शॉर्ट फॉर्म में वहां सब इजी है यहाँ पे कंटेंट है जिसमें इन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझाया कैन यू इमेजिन इंडिया में सेवन सेंचुरी में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात हो रही है और इंडियंस को यूरोपियंस कुछ भी नहीं समझते ठीक है ना इसीलिए ये सारे पॉइंट्स हमारी इज्जत भी बढ़ाते हैं और इम्पोर्टेंट भी है फिर आते हैं आर्य भट्ट क्या बताया यूज ऑफ नंबर्स फर्स्ट नाइन नंबर्स इन्होंने बताया जीरो का यूज बताया था और इन्होंने एक किताब लिखी ये इनकी बुक का नाम है ठीक है ना बुक का नाम है आर्या ठीक है और इन्होंने वैल्यू ऑफ पाई बताई और एल को इन्वेंट किया यार को इन्वेंट करके तो बहुत बुरा काम किया सीरियसली बहुत बोरिंग लगती है मेरे को लगती है पता नहीं तुम लोगों को लगती नहीं मैथ्स को मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ मुझे मैथ्स पसंद है मैथ्स को मैं पसंद नहीं हूँ आगे चलते हैं और कौन कौन सी बुक्स है वरह मीरा ये एक पर्सन थे जिन्होंने बुक लिखी थी बृहद संहिता इन्होंने क्या बताया था कि जो चांद है जो चांद है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है है। इन्होंने एक बुक और लिखी जिसका नाम था पंच सिद्धांत का ठीक है जो कि एस्ट्रोनॉमिकल बुक में पहली बुक मानी जाती है वर्ल्ड की यानी टॉप फाइव बुक्स में आती है फिर आते वाघी इन्होंने आयुर्वेदिक सिस्टम के बारे में बताया था फिर आते हैं हमारे पलक प्या हत्या गर्भवत अरे बड़े गंदे गंदे नाम है इन्होंने जानवरों की डिजीज के ऊपर बात कर दी बेसिकली एलिफेंट की डिजीज के ऊपर धनवंतरी इनका नाम हम पढ़ चुके हैं गुप्ता के समय पे ये नवरत्न का पार्ट थे चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के धनवंतरी जो कि फिजिशियन थे मैंने आपको बताया था इन्होंने भी आयुर्वेद से जुड़ी हुई जानकारी दी ये सारे नाम याद होने चाहिए हालांकि एक बार को ये छोड़ देना कि इन्होंने क्या दिया है एक बार पढ़ के छोड़ देना लेकिन नाम और इनकी किताबें याद होनी चाहिए देन आर्ट एंड कल्चर आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक गुप्ता के सबसे अगर गुप्ता से यूपीएससी को चार क्वेश्चन लेने हैं ना तो वो तीन इसमें से लेगा इतना फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का देखो भाई गुप्ता क्राफ्ट में जाने जाते हैं यूज करने के लिए आयरन और ब्रॉन्स वो इसे यूज करके अपनी आर्ट को देते थे कैसे ब्रॉन्स इमेजेस हम बुद्धा मिली है पहली चीज तो आप यह समझ लो कि बुद्धिज्म क्या खत्म हुआ था आंसर इज नो बुद्धिज्म से कहानी शुरू होती है मंदिर बनवाने की शुरुआत करी गुप्ताओं के मंदिर लोगों ने राजाओं ने इसीलिए शायद हमारे आज के नेता कहते हैं कि हम गुप्ता काल जैसे भारत को बनाएंगे हॉस्पिटल हो ना हो कोरोना के मरीज रोडों पे मरे ठीक है ना लेकिन आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है भाई ठीक है सो टेंपल आर्किटेक्चर जो सबसे पहला था वो गुप्तदास के टाइम पे हमें देखने को मिला स्टोन स्कल्पचर आर्ट यानी कि स्टोन बड़े-बड़े पत्थरों को डिजाइन करके हमें यहां से देखने को मिला और इसमें किसकी झलक मिलती है मथुरा स्कूल की याद करो हमने तीन स्कूल देखे थे कौन से अमरावती स्कूल दूसरा कौन सा था मथुरा स्कूल और तीसरा गांधार स्कूल जिसमें मैंने आपको बताया था कि गांधार स्कूल में इंडो ग्रीक्स की झलक मिलती है यानी कि ग्रीक्स की झलक मिलती है वहीं मथुरा और अमरावती में हमें भारत की झलक मिलती है तो गुप्ता जो गुप्ता की आर्ट है वो कौन से स्कूल से रिलेट है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में स्टेटमेंट में आई थिंक पूछा गया है यूपीएससी में मैंने पढ़ाई या शायद यूपीपीसी में पढ़ा है कहीं ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा है तो ये इंपॉर्टेंट है मथुरा स्कूल से आगे चलते हैं अलग अलग तरीके के कॉइन्स यूज हुए हमें पता है सोने के भी हुए चांदी के भी हुए लेकिन उन सिक्कों के ऊपर अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली देखो क्वीन कुमार देवी अपने पति चंद्रगुप्त वन की तरफ फेस करके खड़ी है और उसी सिक्के की दूसरी तरफ एक दुर्गा की फोटो है जो कि शेर के ऊपर बैठी हुई है कहने का मतलब है ये आर्ट एंड कल्चर है ये आइडियाज हैं ड्रॉइंग्स हैं एक में हमें एक सिक्के में देख मिलता है कि समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त क्या कर रहे हैं वीना बजा रहे हैं वीना ठीक है ना वीना वो सितार टाइप जो होता है वो बजा रहे हैं तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं ठीक है सो ये उनका आर्ट एंड कल्चर डेवलपमेंट बताता है उनके दिमाग बताता है कि वो किस डेप तक सोचते थे और ये देखो ये रिलीजन बताता है ये आज भी है शेरावाली माता ठीक है टेरा पॉटरी और इमेजेस में बहुत ज्यादा यूज होता था बहुत ज्यादा पॉपुलर था ठीक है ये माना जाता है कि ये गरीबों की आर्ट थी यानी गरीबों की यानी कि यह कह सकते हैं ये जो आर्ट एंड कल्चर था ये कॉमन मैन का आर्ट एंड कल्चर था यानी कि आम आदमी का इसमें योगदान था राजाओं से ज्यादा ये शब्द बहुत मैटर करता है पुअर मैन आर्ट ठीक है आयरन और स्टोन पिलर जो कि आज हमें कुतुब मीनार के पास देखने को मिलते हैं वो भी इन्हीं समय में बनवाए गए थे चंद्रगुप्त सेकंड द्वारा ओके आगे चलते हैं द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूप स्तूप बनवाए गए चैत्य हॉल्स बनवाए गए मोनेस्टीज बनवाए गए केव टेम्पल्स ये सारे शब्द हमने बुद्धिज्म में पढ़े हुए हैं ठीक है ये सब गुप्तास के समय में बहुत ज्यादा बनवाए गए यानी कि अगेन बुद्धिज्म को भी गुप्तास उतना ही सम्मान दे रहे हैं जितना हिंदुइज्म को दे रहे हैं ठीक है बुद्धिस्ट बिल्डिंग्स स्तूपास जो कि कहाँ पे राजागिरी में धमेका में सारनाथ में ये बहुत कुछ आ, प्रोमिनेंट रही हैं इंपॉर्टेंट रही हैं अब आप कहोगे ये सब कहा है क्या है ये सब अभी आगे मैंने एक लिस्ट में डाल दिया ताकि याद करना आसान रहे फिर आता है एलोरा केव्स महाराष्ट्र की बाघ केव्स मध्य प्रदेश की सीतल वसल टेम्पल तमिलनाडु का रॉकेट चैम्बर्स ये सब नाम है जो कि आपको सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए अब आप मेरे से कहोगे इतने सारे नाम याद कैसे होंगे तो मैं आपको बताऊं याद करने नहीं है आपको बस एक आइडिया रखना है जब इन्हें याद रीड करो कि ये ये सारी चीजें गुप्ता समय की है यूपीएससी देखो कैसा क्वेश्चन बनाया था यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया था कि विच ऑफ द द फॉलोइंग फॉलोइंग ऑफ बिल्डिंग्स ठीक है इज रिलेटेड विद द गुप्ता पीरियड निम्नलिखित में से कौन सी बिल्डिंग गुप्ता काल से जुड़ी हुई है तो अगर आपके दिमाग में एक ब्लर पिक्चर भी है धुंधली सी पिक्चर भी है कि हाँ ये ये है तो आप इजिली मार्क कर दोगे लेकिन अगर ये सारे नाम को हम पढ़कर ये छोड़ दें एनसीईआरटी में तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा और ये सारी चीजें एनसीईआरटी में है ठीक है अगर हम आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां ये नाम मिल रहा है ये नॉर्मल एनसीईआरटी में नहीं मिलता है ठीक है बाग केव्स हमें सिक्स क्लास में बता रहा है वो ट्वेल्थ की बुक में इसको डिस्क्राइब ही नहीं कर रहा है तो बड़ा मुश्किल है ये सारी चीजों को एक जगह करना तो इन सब नामों पर फोकस रखना है आपको बार बार कह रहा हूं आज ठीक है और आपके लिए बधाई भी है इसको खत्म करने के बाद आप यह सोच लो हमारा एट्टी परसेंट एशियंट हिस्ट्री खत्म हो गया यानी कि आपने एट्टी परसेंट एशियंट हिस्ट्री खत्म कर दिया है गुप्ता के बाद मैं आपसे ये कहूंगा अपने यूपीएससी के पेपर्स की एशियंट हिस्ट्री सॉल्व करना शुरू कर दो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आत्मविश्वास बढ़ेगा ओके दिस पीरियड ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्निफिसेंट ब्राह्मणिकल टेम्पल इस समय में बहुत सारे मंदिर बनवाए गए लाइक like दस अवतार मंदिर जो कि देवघर कहा पे है झांसी में विष्णु मंदिर तागवा शिव टेम्पल खोनान टेम्पल ये सारे हमारे मध्य प्रदेश में 90 परसेंट जो आ, इनके मद, मंदिर है ना वो मध्य प्रदेश में यूपी में बहुत कम है सांची बोधगया ये सब जगह इन्होंने बनवाए हैं ज्यादातर मध्य प्रदेश में एक मुखी यानी कि वन फेस टेम्पल चार मुखी फोर फेस टेम्पल शिवलिंग एंड अर्धधानेश्वरा फ्रॉम शिवा ये सारे इनके नाम है आप इनकी डिटेल्स में जाएंगे आर्ट एंड कल्चर के अंदर आर्ट एंड कल्चर में भी इतना डिटेल्स में नहीं जाते लेकिन ये सारे नाम मैं कोई भी नाम छोड़ने का आज रिस्क नहीं लेने वाला था सॉरी आप कहोगे सर ने आज इतने सारे नाम डाल दिए हैं सर ने ऐसे ऐसे नाम डाल दिए समझ में ही नहीं आ रहे एक मुखी समझ में आता है समझ में आ रहा है ठीक है लेकिन कहने का मतलब यह है कि भाई कोई भी नाम छोड़ने का मैं नहीं सीन लेना चाह रहा था शिव जी की अलग अलग तरीके की मूर्तियां बनाई जाती थी कहीं कहीं शिव जी के चार मुंह दिखाए जाते थे चारों तरफ कहीं कहीं शिवलिंग इस तरीके से बनाया जाता था उस पर एक जगह आंख बनाई जाती थी कि हमने आज भी देखा है तो ये कुछ नए नए डिस्कवरीज हुए कहने का मतलब है लोगों ने धर्म को और ज्यादा ब्रॉड कर दिया ब्रॉड कब होता है देखो आप हो मैं हूं आपकी समस्या अलग है ठीक है जैसे ये अमर अमन है अमन की समस्या जीवन में यह है कि भैया पैसे नहीं है मेरी समस्या जीवन में यह है कि भैया खुशी नहीं है ठीक है मेरी समस्या क्या है कि मुझे खुशी नहीं मिल रही है किसी भी चीज से ये कह रहा है मुझे पैसे नहीं मिल रहे तो हम दोनों हो सकता है अलग अलग भगवानों को अप्रोच करें ये कह रहे लक्ष्मी माता को मैं हो सकता है कृष्ण जी को कर लू राधे राधे करके नाचू कहने का मतलब है अलग अलग भगवान यानी कि लोगों की समस्याएं बड़ी आबादी बड़ी लोगों ने भगवान भी अलग अलग ढूंढ लिए तो यहां से एक तरीके से भगवानों का नए नए आविष्कार लेकर आए ये लोग आगे चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन्होंने नगाड़ा स्टाइल के मंदिर शुरू करे नगाड़ा स्टाइल इसे शिखर स्टाइल भी कहते हैं ये क्या होता है शिखर स्टाइल भी इसे कहते हैं आगे आई थिंक मैंने लिखा हुआ ये पॉइंट शिखर स्टाइल जैसे आज के टाइम में आप मंदिर जाओ किसी भी मंदिर आपने देखा होगा जो भी यहां पे सुनने वाले नॉर्थ इंडिया के हैं अमल लहर इज ऑल्सो सिंग हैप्पीनेस यार हैप्पीनेस है सबके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन मुझे कि मजा ही नहीं आ रहा किसी काम में लाइक like, ऐसा लगता है कि सुबह उठते हैं क्लास लेनी है तो अपने लिए नहीं जी रहे आई yeah, थिंक बहुत लोग इस समय कर रहे हैं और मेडिटेशन वगैरह सब चीजें इस समय ऐसा लग रहा है कम पड़ रहे हैं लेकिन है भाई

गुप्तास के समय ही देखने को मिला ये दो चीजें गुप्तास के समय की आविष्कार है इनके समय पर पहली बार विष्णु की मूर्ति की पूजा शिव जी की मूर्ति की पूजा और बाकी भगवानों की मूर्ति पूजा शुरू हो नाचो गाओ यार क्या, क्या अकेले नाचे गाए ओके अमन द अमन द बेस्ट स्पाइस द इमेज ऑफ बुद्धा सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल मिलता है वो एक हमें गौतम बुद्धा का एग्जाम्पल मिलता है सारनाथ से जिसमें गौतम बुद्धा बैठे हुए हैं जिसमें गौतम बुद्ध बैठे हुए हैं और बैठ के कहा जाता है कि वो धर्म समझा रहे हैं यानी कि अपने शिष्यों को अप धर्म समझा रहे हैं ठीक है बाकी हमें कुछ पेंटिंग्स मिलती हैं जो कि बाघ के पेंटिंग्स है मध्य प्रदेश धार डिस्ट्रिक्ट से मिलती हैं और अजंता जो कि औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र से मिलती है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं ये ऊपर के तीन पॉइंट्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट नगाड़ा स्टाइल गर्भगृह इमेज ऑफ विष्णु देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्स है मैंने सबको एक ही जगह पर डाल दिया सिर्फ रटना है और छोड़ देना है

और वेसरा स्टाइल ये दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है यानी कि एक मंदिर में हमें ऐसे वाला स्ट्रक्चर ही मिल जाए ऐसे वाला भी मिल जाए देखते हैं कैसा देखो ये इमेज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फाइन आर्ट <laughs> आजकल तो मैं भी वो सीख रहा हूं आई एम ट्राइंग वो क्या होता है स्केचिंग मैं आजकल यूट्यूब से देख, देख के स्केचिंग सीख रहा हूं थोड़ा सा कुछ नया करने के लिए ओके सो नगाड़ा स्टाइल देखो नगाड़ा स्टाइल देखते हैं कैसा है नगाड़ा स्टाइल हमारे इस तरीके के मंदिर है जैसे हम देखते हैं ये ठीक है ऐसे करके ऊपर ऊपर जाके झंडा ये ये देखो ये हमारा नगाड़ा स्टाइल है हमारे यूजली और ये स्ट्रक्चर देख के आपको राम मंदिर की याद आ रही होगी ठीक है ड्राइविड स्टाइल कुछ इस तरीके का बिल्डिंग्स के ऊपर बिल्डिंग्स ब्लॉक्स के ऊपर ब्लॉक्स ठीक है ड्राइविड स्टाइल है यानी कि साउथ इंडिया का स्टाइल है या नॉर्थ इंडिया का स्टाइल वेसरा देखो ये ड्राइविड स्टाइल का स्ट्रक्चर बनाया गया नीचे इसके ऊपर हमने एक शिखर स्टाइल बना दिया गया इसे हम कहते हैं दिस इज द मिक्सचर साउथ के टेंपल इस तरीके से नॉर्थ के टेंपल इस तरीके से जो टेम्पल जो हमारा अयोध्या राम टेंपल है वो इसी तरीके से है ये देख लो राम मंदिर का स्ट्रक्चर देख लो और यही हमारा यूपीएससी पूछेगा यही यूपीएससी पूछेगा वो आपसे आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत न्यूज में रहा वो ये नहीं पूछेगा बनवाना सही है गलत है क्यों बनवाया क्यों नहीं बनवाया आपकी क्या राय है क्योंकि उसे पता है ये कॉन्फ्लिक्टिंग टॉपिक है अलग अलग व्यक्ति अलग अलग बोलेगा लेकिन ये देखो ये देखो ये देखो और इसके नीचे कहा जाता है ये न्यूज वालों ने बड़ी खुशी से बताया था न्यूज वालों ने पूरा दिन यही बताया था न्यूज वालों ने कहा था इसके नीचे रामलला की फोटो होगी रामल्ला की जो मूर्ति है जो भी होगी तो ये कुछ स्ट्रक्चर राम मंदिर का है जिसे हम कौन सा स्टाइल कहेंगे नगाड़ा स्टाइल ठीक है नगाड़ा स्टाइल अब देखो कौन कौन से शब्द हैं मंडप्स ये सारे छोटे छोटे मंडप्स हैं जो ऊपर हैं ठीक है ये प्लिंथ है जिस प्लॉट पे ये बना होता है यहां पे बिल्कुल नीचे इमेज लगेगी इसी को हम गर्भ गर्भगृह रहते हैं ये हमारा जो ऊपर है शिकार यानी कि शिखर स्टाइल जो है ये एक्सिस मुंडी है इसके ऊपर जाके एक झंडा लगता है इसे आर्ट एंड कल्चर में बहुत ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक आइडिया दे गया होगा कि राम मंदिर किस तरीके का है ठीक है एक बार दोबारा से स्ट्रक्चर देख लो अरे वाह यू आर फ्रॉम अयोध्या हम तो बस सुनते ही रहते हैं अयोध्या में राम मंदिर है हमने कभी देखा नहीं ठीक है लेकिन आई होप आपने देखा होगा खैर मेरे जो मेरे शहर में मंदिर है मैंने आज तक वो नहीं देखे <laughs> सो वहां तो बहुत दूर है <laughs> मैं तो भैया ये मानता हूं कि ईश्वर अपने साथ है हर वक्त अच्छे कर्म करो सारे ईश्वर आपके साथ है ठीक है सो दैट्स इट आई थिंक बाकी लास्ट में छोटे से हैं क्लास अभी ओवर करने एक्साम्पल्स है ज्यादा लंबी होनी थी आज खत्म कर देंगे गुप्ता को छोड़ूंगा नहीं कल के लिए कुछ भी ओके okay, और किस किस तरीके के मंदिर हैं ये रॉक कट केव्स हैं यानी कि एक गुफा एक पत्थर है उसे काट काट के उसके अंदर गुफा बनाई गई ये गुप्ता के समय पर भी हुआ एग्जाम्पल अजंता एलोरा ग्रुप्स बाग केव्स अजंता एलोरा पे पहले से बनी हुई थी और बना दी स्ट्रक्चरल टेम्पल स्ट्रक्चरल टेम्पल कौन से होते हैं जैसे अभी हमने देखे नगाड़ा स्टाइल नगाड़ा स्टाइल ठीक है तो नगाड़ा स्टाइल के मंदिर हमने कहाँ पे देखे दस अवतार टेम्पल जो कि झांसी में है झांसी कहां पे यूपी में शिवा टेम्पल पार्वती टेम्पल विष्णु टेम्पल लक्ष्मी टेम्पल सब मध्य प्रदेश में है ऐसे हजारों मंदिरों के नाम है गुप्ता समय में ठीक है इसलिए मंदिरों के नाम हमें याद नहीं करने हैं क्योंकि बहुत सारे हैं हमें क्या याद करना है ये स्ट्रक्चरल है या रॉक कट है स्तूप कौन से बनवाएगा मेरपुर खास जो कि पंजाब पाकिस्तान सिंध में है एक रत्नागिरी जो कि ओडिशा में है मैंने कहा था लास्ट में सारी चीजें अरेंज हैं सिर्फ रटो और छोड़ दो समझी रटी छोड़ दी बार बार रीड करो नाउ लिटरेचर ऑफ गुप्ता एरा गुप्ता एरा की लिटरेचर कैसी थी देखो भैया बहुत सारे इनके पास ऑथर थे सबसे पहले तो थे कालिदास कालिदास ने कौन कौन सी बुक्स लिखी ऋतु संहार मेघ दूतम कुमार संभवम मालविका अग्निमित्र अभिजन शुकंतलम मैंने कहा था रोमांटिक बंदे हैं इन्हें शेक्सपियर कहा जाता है भारत का ठीक है शेक्सपियर कहा जाता है भारत का और शेक्सपियर जैसे बहुत रोमांटिक थे ये भी बहुत रोमांटिक थे ये भी सिर्फ प्यार मोहब्बत लिखते थे वो भी प्यार मोहब्बत लिखते थे ठीक है विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस इसके बारे में हमने मौर्यास में भी पढ़ा है ये किताब यहां पे आके लिखी गई थी ठीक है ये किताब इस युग में लिखी गई थी विष्णु शर्मा ने लिखी पंचतंत्र यूपीएससी पूछ चुका है ठीक है ने लिखी कामासूत्र अब ये देखो कामा बुक को लेके यंगस्टर्स के दिमाग में बड़ा क्वेश्चन होता है कि ये बुक क्या है क्यों है कैसे है तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है असल में एक चीज बताता हूं गुप्ता वंश गुप्ता डायनेस्टी कौन थी वैश्य और वैश्य यानी कि बिजनेसमैन और बिजनेसमैन के लिए सबसे पहला मोटिव क्या होगा प्रॉफिट प्रॉफिट होगा ना अब मैं आपसे पूछूंगी आपको एक दुकान लगानी है आपको एक दुकान लगानी है किसकी दुकान लगवाऊं चलो जूतों की दुकान लगवा देता हूं अब मैं आप सकूंगा आपको जूतों की दुकान लगानी है आप कहाँ लगाना पसंद करेंगे अपने गांव में या मुंबई में दिल्ली में हैदराबाद में चेन्नई में। डेफिनेटली जहां आबादी है ताकि लोग खरीदने आए जहां पॉपुलेशन है अब भाई पॉपुलेशन कहां से लाए पॉपुलेशन कहां से लाए तो इस तरीके के कुछ चीजें क्रिएट करी गई कि आबादी को बढ़ाया जाए यानी कि ये लोग चाहते थे कि आबादी बढ़े आबादी बढ़ेगी तो टैक्स ज्यादा आएगा टैक्स आएगा समृद्धि आएगी पैसा आएगा तो भाई आबादी बढ़ाने के लिए क्या किया जाए तो आबादी बढ़ाने के लिए एक ऐसी किताब लिखी गई जिसके अंदर यह कहा गया कि बच्चे पैदा करना बच्चे पैदा करना इज लाइक अ वर्शिप ऑफ गॉड यानी कि सेक्स करना खुद में एक तरीके से पूजा है सेक्स को ही पूजनीय बता दिया और बस पूरा हिंदुस्तान लग गया पूजा करने में और हमें आज 140 करोड़ ठीक है और ऐसी ही सेम सेम किताब बिल्कुल युग में, चाइना में भी लिखी गई थी जी हाँ चाइना की किताब का मेरे को नाम याद नहीं है लेकिन चाइना में भी लिखी गई थी और ये हमें चीज देखने को मिली यानी कि सोचो आबादी बढ़ाने तक की कोशिश हमारे हाथ में थी अभी आपने कुछ समय पहले एक न्यूज में सुना होगा कि हमारे पीएम साहब ने पवन को बैन किया इंडिया में पवन बैन है क्यों बैन है क्यों क्योंकि हम लोग जो हमारे नेता हैं वो जानते हैं कि यूथ जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनका दिमाग यहां ना लगे यहां लगे पढ़ाई में लगे करियर में लगे जैसे जापान चाहता है जापान एक ऐसा देश है वहां लोग शादियां नहीं कर रहे हैं बच्चे नहीं पैदा कर रहे क्योंकि वो अपने का, 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 काम को लेके इतने ज्यादा वो उसमें डूब चुके हैं कि उन्हें जरूरत नहीं है तो ये वच्चे आवान ने एक किताब लिखी थी कामसूत्र इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट था ये कॉन्सेप्ट यंगस्टर्स के दिमाग में बहुत आता है इसलिए मैंने बताया फिर एक किताब दानदिन ये ऑथर है ये सब ऑथर्स है लाल वाले ठीक है ना तो इन्होंने एक बुक लिखी काव्य दर्श आर्यभ की किताब देख लो सूर्य सिद्धांत और आर्य भट्टिया भ्रम इनकी किताब ब्रह्म सिद्धांत ये हम पढ़ चुके हैं वरामित्रा की किताब पंच सिद्धांत वृहत संहिता इन दोनों ये तीनों को हम पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले साइंस एंड टेक में वागभट अष्टंग हृदय जो कि मेडिसिंस दवाइयों पे रखी गई थी धनवंतरी नवंतिकम ये भी किताब है ये भी हमारी मेडिसिन से रिलेटेड थी तो ये दो ये सारी जो किताबें हैं एक जगह पे मैंने लगा दी हैं ताकि आप इन्हें लर्न कर सको ओके आगे चलते हैं अरे खत्म हो गया यार <laughs> मेरे को लगा अभी भी कुछ बचा मैं इतना ज्यादा फ्लो में आ गया था सो दैट्स इट गाइस हमारा गुप्ताज खत्म हो गया और ये सोच लो कि हमने एक बहुत बड़ी हमने एंशियंट हिस्ट्री का हाथी पार कर लिया पूछ रह गई है यानी कि एंशियंट हिस्ट्री की पूछ रह गई है अब हम छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे छोट छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे कौन से होंगे लाइक like वो लाइक like राजपूत ठीक है ना वर्धन वंश यानी कि हर्षवर्धन को पढ़ेंगे छोटी छोटी सी डायनेस्टीज आने वाली हैं ठीक है इन छोटी छोटी डायनेस्टीज को पढ़ने के बाद हमारी एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी और मैं साथ ही मेडिवल हिस्ट्री भी शुरू करा दूंगा ठीक है ना मेरे वो बिल्कुल ये कुछ नहीं है कि क्या है कैसा है यूट्यूब मेरा काम है कि जितने बच्चे मेरे को यहाँ पे सुन रहे हैं उनको हिस्ट्री कंप्लीट करा दू ठीक है मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको बुक्स पढ़ने को बोलूंगा हिस्ट्री की अभी आपको बुक्स नहीं पढ़नी है सो बाय थैंक यू गाइज सी यू गाइज मैंने आज कोई क्वेश्चन दिया मैं खुद भूल गया डेवलपमेंट के ऊपर तो मेरे को उसमें पांच पॉइंट आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कहने का मतलब है सोचा करो सोचना जरूरी है जब तक सोचोगे नहीं तब तक दिमाग चलेगा ठीक है सो बाय बाय गाइस थैंक यू फॉर लिसनिंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय बायो कंफ्यूज हो जाता